यूक्रेन युद्ध में अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन का गुस्सा किसी भी वक्त नाटो के ऊपर फूट सकता है, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त अमेरिका समेत नाटो देशों ने यूक्रेन को इस शर्त पर हथियार सप्लाई शुरू किया था कि यूक्रेन इन हथियारों से रूस के भीतर हमले नहीं करेगा। यूक्रेनी फौज इन पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल कर रूसी फौज को खदेड़ने और फ्रंट लाइन पर हमला करने के लिए करेगी। लेकिन युद्ध के 900 दिन पूरे होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब यूरोपीय देशों में इस बात की मांग उठी है कि यूक्रेनी सेना को इन हथियारों से रूस के भीतर तक हमला करने की छूट दी जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुतिन को इस बात की भनक लग चुकी है और वो शुरू से ही ऐसा करने पर भयानक नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में रूसी संसद के चेयरमैन व्हिचेस्लाव वोलोदिना ने नाटो को बहुत बड़ी चेतावनी दी है और ये चेतावनी फ्रांस को लेकर है। दरअसल उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो रूस और भी ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल कर कड़ा जवाब देगा। इस बारे में किसी को कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। मॉस्को को ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ द्वारा किए गए विशाल बलिदानों को भूल गया है। यूरोपीय लोगों को ये समझना चाहिए कि रूस की RS-28 सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे पश्चिम में शैतान के नाम से जाना जाता है, को स्ट्रासबर्ग, जहां यूरोपीय संसद की बैठक होती है, पर हमला करने में केवल 3 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे। आपको बता दें कि स्ट्रासबर्ग फ्रांस का एक पूर्वी शहर है जिसकी आबादी करीब 7 लाख से ज्यादा है और ये जर्मनी के केहाल शहर के पास स्थित है। वहीं दूसरी तरफ समरथ मिसाइल को लेकर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि रूस की सरमत मिसाइल की रेंज 10,000 और 17,988 किलोमीटर के बीच है, जिसकी रेंज में फ्रांस का स्ट्रासबर्ग शहर आता है। दरअसल 19 सितंबर 2024 को यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उसने यूरोपीय यूनियन के देशों से इस बात की मांग की है कि वो यूक्रेन को पश्चिम द्वारा भेजे गए हथियारों को रूस के भीतर वैध लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति दे, और इस प्रस्ताव के पक्ष में 425 वोट और उसके खिलाफ 131 वोट और 63 सदस्य इस वोटिंग से गायब रहे। इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने वालों की मांग है कि यूक्रेन अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे पश्चिम द्वारा भेजे गए हथियारों पर लगी बंदिशों को न हटाया जाए। ऐसे में यूक्रेन को ये अधिकार तो मिलना ही चाहिए, साथ ही यूरोपीय देशों को अपने पिछले वादों के तहत यूक्रेन को और ज्यादा हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और गोला बारूद भेजना चाहिए। इन हथियारों में यूक्रेन को टॉरस मिसाइल क्रूज मिसाइल भी दी जाए जिसकी रेंज 482 किलोमीटर तक है। वहीं यूरोप की इस मांग को लेकर रूसी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रूस इसका जवाब और ज्यादा ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करके देगा। यूरोपीय संसद जिसकी मांग कर रही है वो एक विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 11 सितंबर 2024 को रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय सरकारें लॉन्च रेंज की मिसाइल हमलों पर जैसे ही प्रतिबंध हटाएंगी वैसे ही रूस उसका उपयुक्त जवाब देगा। आपको बता दें कि नेटो ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी एटकैम्स भेजी हैं, जिन पर रूस के भीतर हमला करने को लेकर बैन लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी लंबे वक्त से मांग कर रहा है कि अमेरिका उसे रूस के भीतर वैध सैन्य ठिकानों पर हमले की परमिशन दे। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की इस मांग पर सिर्फ सोच विचार ही कर रहे हैं।